बड़ी खबर आपको बता रही है, पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर एक्शन लिया गया। सीबीआई टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी और पशु तस्करी मामले में मंडल समेत 11 लोग आरोपी हैं। मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कई बार संबंध देकर पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर एक्शन लिया गया, हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 लोग और आरोपी हैं। सीबीआई टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी और आखिरकार उनको हिरासत में लिया गया है। पशु तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला और उनको अब हिरासत में लिया गया है। हालांकि बीमारी का बहाना कर जांच के लिए नहीं पहुंचे थे। 11 लोग और हैं इस पूरे मामले में आरोपी और ये बड़ा एक्शन यहां पे लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया है। अनुव्रत मंडल को हिरासत में लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया था, पुलिस ने सामान देकर, लेकिन बीमारी का बहाना कर जांच में शामिल नहीं हुए थे। आखिरकार अब हिरासत में लिया गया है। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को हिरासत में ले लिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी। पशु तस्करी मामले में मंडल समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने कई बार समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बीमारी का बहाना कर जांच में शामिल नहीं हुए अनुव्रत। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगभग जहां पर जांच होनी थी उससे कुछ ही मीटर दूरी पर मेडिकल जो है वो टेस्ट अपने लगे थे वहां पर कराने, लेकिन जो भी बचने की यहां पर कोशिश की जा रही है, यानी कि पूरा इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आरोपी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और सीबीआई टीम अनुव्रत मंडल के घर पर पहुंची थी जांच करने के लिए। पशु तस्करी का यह पूरा मामला है जहां पर पैसे जो है आखिर वो ट्रांसफर कहां हो रहे थे, पैसे कहां पर आ रहे थे, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तह तक जाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है और जो भी मुख्य आरोपी है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लिस्ट है उनके पास और उसी लिस्ट के आधार पर अब टीम आगे कार्रवाई को अंजाम देने पहुंच रही है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक के बाद एक टीएमसी के जो नेता है वो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले करोड़ों का जो स्कैम था वो सामने आया था, जिसमें पार्थ चैटर्जी बुरी तरह से फंसे हुए थे। अब देखिए गौ तस्करी का भी मामला सामने आया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए अनुव्रत ने खुद बंद कर लिया था, खुद को ही बंद कर लिया गया था। अनुव्रत मंडल ने कमरे में खुद को बंद कर लिया था, बाद में सीबीआई की टीम ने अनुव्रत को कमरे से बाहर निकाला। कमरे से निकालने के बाद में अनुव्रत को हिरासत में लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले देखिए बीमारी का बहाना, उसके बाद में खुद को कमरे में बंद कर लिया गया, जिसके बाद में टीम ने कमरे से बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया है। आप पूछताछ होगी तो माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। और देखिए सारे पैतरे यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं, सारे पैतरे जो है वो आजमाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में बचा जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, अनुव्रत मंडल को हिरासत में ले लिया गया है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? देखिए आज सीबीआई का एक बड़ा टीम जो कि एक कंपनी सीआरपीएफ को लेके टीएमसी बीरभूम का जो चीफ है अनुव्रत मंडल उसका घर में पहुंच गई है। उसका घर घिराव कर लिया था, फिर उसका घर में सर्च वारंट लेके रेड किया गया और फिर उनसे पूछताछ किया गया। जब उनसे पूछताछ करने के बाद भी कोऑपरेशन नहीं मिला, कुछ क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं दिया। और देखिए ठीक है आएंगे आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया अनुव्रत को। जिया देखिए किस तरीके से टीएमसी के नेता जो है वो लगातार कई ऐसे घोटालों में सामने आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की जांच हुई और ऐसे में तमाम बड़े खुलासे हुए। फिलहाल ये तस्वीरें हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अनुव्रत को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ हुई। सबसे पहले अगर हम बात करते हुए उन्हें तो कस्टडी में लिया गया था, जिस तरीके से वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे उनको अपने कैद में किया गया, पूछताछ हुई, पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए। जी हिंदुस्तान पर कोलकाता से ये लाइव तस्वीर आपके सामने है जब अनुव्रत को गिरफ्तार किया गया है। अब आप देखना यहां पर यह होगा कि आगे जो कार्रवाई जो प्रोसीडिंग है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। विक्रम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विक्रम क्या अपडेट है? देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, अभी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विक्रम आवाज मिल रही है आपको? तो
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी हिंदुस्तान दिखा रहा है जहां अनुब्रत को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए इससे पहले भी कुछ आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी पूछताछ जारी थी। अब माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ होने के बाद में अनुब्रत मंडल को हिरासत में लिया गया। तो क्या ये पूरा जो मास्टरमाइंड था ये अनुब्रत मंडल का था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब आगे जब पूछताछ होगी तो क्या बड़े खुलासे होते हैं ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। तो पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं ये सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं ममता सरकार पर, क्योंकि एक छोटे से मुद्दे को लेकर भी ममता जिस तरह से मुखर होकर बोलती हैं, ऐसे पहले भी देखा गया कि पार्थ चटर्जी पर जब सवाल खड़े हुए तो ममता चार दिन तक खामोश रही, जिसके बाद में कार्रवाई की गई, उसके बाद भी गलत मानने को तैयार नहीं थी। अब एक बार फिर से टीएमसी के एक नेता अनुब्रत मंडल को हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें कि गौ तस्करी का ये पूरा मामला है जिसमें आरोपी बनाया गया है। और आज से नहीं, बहुत पहले से पूरा मामला जो है वो प्रकाश में था, चोरी छुपे इन तमाम चीजों को लेकर आगे टीम कर रही थी। सीबीआई ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया है, माफ कीजिएगा अनुव्रत को गिरफ्तार कर लिया है। और तमाम में से बड़े खुलासे जो है वो होने बाकी हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर देखिए, लगभग 10 समन जो है वो अनुव्रत को जारी कर दिया गया था। कई बार इस जो समन जारी किया उसे इग्नोर भी किया गया, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए आप किस तरीके से तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। और टीम पहुंचने के बाद जो खलबली, जो हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में चार की जो जड़े हैं उसे खत्म करने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। विक्रम जुड़े हुए, विक्रम सबसे पहले पार्थ, उसके बाद अर्पिता, अब जो है अनुव्रत का नाम सामने आया, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो चुकी है, भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करने की यह पूरी कोशिश सीबीआई और ईडी की। जी बिल्कुल, अनुव्रत मंडल को अभी उसका घर से निकाला गया है, सीआरपीएफ के संग सीबीआई अधिकारी लोग उनको निकाल के अभी लेकर जा रहे हैं। निजाम पहले सीबीआई ऑफिसर को लेके आएगा सीबीआई अधिकारी, और जो हमको पता चल रहा है कि पहले उनका मेडिकल किया जाएगा कोई केंद्रीय सरकारी अस्पताल में, क्योंकि अनुव्रत मंडल जो है वो बार बार बोल रहे थे कि वो उसका तबीयत खराब है, यही बहाना वो बार बार दे रहे थे, जो कि सीबीआई की तरफ से बोला जा रहा है कि जो ऑडियो टेप उनको मिला है एक गवर्नमेंट डॉक्टर को उन्होंने प्रेशराइज किया है, उसके बदौलत ये समझा जा रहा है कि अनुव्रत मंडल जो है वो टाल रहा है, वो जो तहकीकात है उसको टाल रहा है, इन्वेस्टिगेशन को टाल रहा है और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इसीलिए अनुव्रत मंडल को अरेस्ट किया गया है, कुछ देर बाद ही उसको निजाम पैलेस लेके आएगा कोलकाता में, फिर उसका मेडिकल टेस्ट होगा और कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसा हमको सीबीआई सूत्रों से पता चल रहा है। विक्रम ये बताइए, क्या अनुव्रत की क्या भूमिका रही, इस बात का खुलासा अभी तक हो पाया क्या? क्योंकि एक आरोपी जो बनाया गया था उसे पिछले 60 दिनों से पूछताछ हो रही थी, तो क्या पूछताछ के दौरान ही अनुव्रत के नाम का जिक्र किया और क्या कुछ भूमिका थी, क्या मास्टरमाइंड है अनुव्रत मंडल? देखिए अनुव्रत मंडल का जो बॉडीगार्ड था सैजल हुसैन, उसको कुछ दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया था। अनुव्रत मंडल के खास कुछ लोगों को पूछताछ किया गया, उसका घर में रेड किया गया, जो कि पता चल रहा है कि सैजल हुसैन जो कि अनुव्रत मंडल का बॉडीगार्ड था, उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मिला है। कहां से इस पुलिस कांस्टेबल को इस 100 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला, यही बात जब सैजल हुसैन से पूछताछ किया गया था तब उन्होंने अनुव्रत मंडल का नाम लिया था। और जैसा कि सीबीआई को पता चला कि जो प्रॉपर्टी जो मिला है सैजल हुसैन के पास, वो सभी कैटल केस में अनुव्रत मंडल के नाम से उठाया था, यही पता चला, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, ऐसा इसीलिए पता चल रहा है। विक्रम देखिए, घर से हिरासत में तो ले लिया गया है, तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव दिखाई दर्शकों को, ये बताइए कि कहां पर ले जाया जा रहा है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए आपने जी देखती शमी, तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, विक्रम से संपर्क टूट गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, भ्रष्टाचार का इससे पहले मामला सामने आया और अब मामला आया है गौ तस्करी का। और देखिए मंदीप, हालांकि विक्रम ने इस बात का जिक्र भी किया कि देखिए अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाएगा, हालांकि पूछताछ होगी। अब ये पूरा मामला जो देखिए किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, अभी अगर हम बात करें तो इनके जो अंगरक्षक है उनका नाम सामने आया, जब चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें कई आरोपी जो है उनके नाम सामने आए। खबर यह भी है कि कई ऐसे बड़े और अधिकारी हैं और नेता है जिनके नाम पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन मुख्य रूप से अब अनुव्रत से पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद तमाम बड़े जो खुलासे हैं अभी होने बाकी हैं। और देखिए बीजेपी नेता की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, अमित वालवी जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता, उन्होंने ये ट्वीट किया है। और देखिए ट्वीट कर ये किस तरीके से एक बार निशाना साधने की कोशिश जो है वो टीएमसी पार्टी पर, मूल रूप से अगर हम बात करें और मुख्यतः अगर हम बात करें तो लगातार टीएमसी पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि देखिए अगर पश्चिम बंगाल में
कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें मुख्य रूप से टीएमसी पार्टी और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का भी हाथ सामने है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो आज के इस मामले की बात करें या पहले पार्थ पर जब निशाने लगातार हो रहे थे, तमाम जो बड़े आरोप लग रहे थे, जब जांच हो रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी टीएमसी को घेरने में लगी हुई है। तमाम जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में जब ये मैसेज, ये देखिए किस तरीके से एक मैसेज जो है वो क्लियर किया गया है, उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर देखिए बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर कौन से ऐसे बड़े तमाम जो नेता हैं जिन पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। और सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, सभी लगातार जांच में लगी हुई है, तमाम बड़े खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल सीबीआई ने अनुव्रत को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विक्रम लगातार वहां पर बने हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, अब टीम जो है आगे कार्रवाई करेगी और अब मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लगातार तमाम मामले जो है वो सामने, पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बड़ी बात यहां पर ये देखिए कि सीबीआई की तरफ से जो एक्शन लगातार जारी है इसको लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर तमाम बड़े आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी को भी लेकर लगातार मुखर है, एक्टिव मोड में है। और ये जो तल्ख तेवर जो है वो कहने का बीजेपी के भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैसेज देखिए साफ तौर पर क्लियर है, ये संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर पश्चिम बंगाल में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो इसके पीछे टीएमसी जो है वो है बैकबोन, जिसकी वजह से ही आज वहां की आम जनता परेशान है, विकास नहीं हो पा रहा है, पैसे की घपलेबाजी हो रही है, घोटालेबाजी हो रही है। और ये देखिए जो ट्वीट किया गया अमित मालवीय जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, और ट्वीट में आप देखिए ममता बनर्जी और उनके पीछे जो है वो सुब्रत मंडल है जो वहां पर बैठे हुए हैं, और इन्हें भी वो कनेक्ट करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है।